उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश लिलोठिया ने अपना नामांकन कंझावरा डीएम ऑफिस में जाकर भरा। राजेश लिलोठिया ने कहा कि दिल्ली में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्य हैं और केंद्र द्वारा कांग्रेस की योजनाएं और केंद्र में कांग्रेस द्वारा के पहले किए गए विकास कार्य उनके काफी हैं, इसलिए उनकी जीत निश्चित है। खास बात यह है कि सीट पर राजेश लिलोठिया की डगर काफी कठिन हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस के इस फैसले से नाराज हैं, क्योंकि इसी लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार चौहान, जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे थे और जिनकी काफी ज्यादा प्रसिद्धि थी, शुरुआत में उनका टिकट होने उम्मीदवार बनाने की कांग्रेस ने सोची और पहली लिस्ट जो कि लिस्ट जारी नहीं की गई थी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपना प्रचार तक शुरू कर दिया। एकजुट है और कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और ये चुनाव हमारा संविधान को बचाने का चुनाव है, और पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में है, और उनका जो उत्साह देखने को मिल रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी सातों सीटों के ऊपर अपना परचम फहराएगी। राजकुमार चौहान ने भी कई मीटिंग कर अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक से कांग्रेस में टिकट बदल दी और उत्तरी पश्चिमी लोकसभा सीट से राजकुमार चौहान की उम्मीदवारी छीन कर राजेश लिलोठिया को उम्मीदवार बना दिया गया। इस लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं है, साथ ही कांग्रेस के 20 साल से ज्यादा वक्त तक एमएलए रहे जयकिशन भी लोकसभा चुनाव की टिकट की दौड़ में थे, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिला। इन वजहों से कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज हैं। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का मुकाबला पिछले किए हुए कामों से रहेगा कि जो हमने विकास के काम किए थे 15 साल में, और जो यूपीए की सरकार में हमने 10 साल में देश के अंदर जो विकास किया था, अब हमारा कंपटीशन अपने ही कामों से रहेगा कि हम उससे बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकें। जहाँ तक आप राजनीतिक पार्टियों का सवाल कहते हैं, तो कोई राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी की जो सिद्धांत है, विचारधारा है, उसके सामने कहीं कोई टिकती नहीं है। हमारा उस विचारधारा से कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने में, और कांग्रेस पार्टी को ऐसा कहीं नहीं लगता कि ऐसे लोगों को साथ में रखा जाए जो झूठ बोलकर लोगों के साथ में फरीब कर सरकार में आए। देवेंद्र यादव जी भी हमारे साथ में खड़े हुए हैं, ये भी हमारे साथ में थे और हम सब साथ में थे। जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद हैं, और हम सब लोग गठबंधन के खिलाफ थे। गठबंधन की ज़रूरत नहीं है दिल्ली के अंदर और कहीं पर भी। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, और हमने देश को विकास दिया है, हमने देश के अंदर वो तरक्की दी है, वो उन्नति दी है, जिससे आज पूरा विश्व जिसके आगे घुटने टेकता है। पूर्ण राज्य के दर्जे पे पार्टी का क्या स्टैंड है आपका, या जो आम आदमी पार्टी कह रही है ये स्टैंड आम आदमी पार्टी से पूछिए। उन्होंने ये मुद्दों से भटकाने के लिए जो उन्होंने वायदे किए थे लोगों से, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है कि पूर्ण राज्य का। उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि जन लोकपाल बिल का उन्होंने क्या किया, उनसे सवाल करना चाहिए उन्होंने स्वराज के ऊपर क्या कहा, क्या किया। वो सिर्फ धरना देकर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर सरकार में हैं, लेकिन जो उन्होंने वायदे किए थे कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, वो दिल्ली के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। आपके आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति यह है कि हो सकता है जिनका नुकसान राजेश लिलोठिया को उठाना पड़े। राजेश लिलोठिया ने अपनी जीत पक्की कही और कहा कि कांग्रेस मजबूत है, उन्हें आम आदमी पार्टी से गठबंधन की जरूरत नहीं, और केजरीवाल की पार्टी को झूठ का छलावा बताया और कहा कि वे शुरू से ही गठबंधन का विरोध कर रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की गुटबाजी के चलते राजेश लिलोठिया जीत पाते हैं या इसका पूरा फायदा दूसरी पार्टी उठाएगी। नसीम अहमद की रिपोर्ट, डबल इन न्यूज़।